हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राखियाँ, वो भी पड़े हुए सामान से। जैसे कि मेरे पास ये ऊन है, रोली है, रिबन है, इन सब को भी आप यूज़ कर सकते हैं। शादी के कार्ड्स वगैरह हैं, इन्विटेशन कार्ड्स जो होते हैं, बटन्स हैं, और आपके कपड़ों में जो चमकीले लटके आते हैं, स्टोन्स वगैरह वो हो गए, रिस्ट बैंड्स वगैरह हो गए बच्चों के लिए आप जो लेते हैं, फेविकॉल है और सीज़र है। ये सब सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और एक पेंसिल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे शादी के कार्ड्स में जो गणपति लिख के आते हैं उनको हम राउंड सर्कल में काट लेंगे, और जिस पेपर में इनविटेशन लिख के आता है उस पेपर को भी उसी सर्किल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा काट लेंगे। दो पेपर काटेंगे हम इसके दोनों साइड से, दो सर्किल काटेंगे, और उसके बाद हम उसको ट्रिम कर देंगे और आपस में इसको जॉइंट भी कर देंगे। अब मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से चिपका दे रही हूँ, और मेरी ये देखिए राखी तैयार हो गई है। अब बस इसमें मैं पीछे से रिबन लगा दूंगी और मेरी पहली राखी रेडी हो जाएगी। इस समय लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से राखियाँ बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, कोई सामान नहीं मिल रहा है, और बच्चे राखी के कितने शौकीन होते हैं ये सभी जानते हैं। तो इसलिए इस तरह से आप उनके लिए ढेर सारी राखियाँ बना सकते हैं अपने घर के सामान से। ये देखिए मैंने मेरी राखी तैयार हो गई है, मैंने इसमें रिबन लगा दिया है। आप कलावार, डोरी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरी राखी बना रही हूँ जिसको बनाने के लिए मैं जो शादी कार्ड्स में ये कलश की डिज़ाइन होती है इसको कट कर लूँगी। अब मैंने एक राउंड सर्किल का पेपर काट लिया है, और इस राउंड सर्किल के पेपर में मैं थोड़ी सी डिज़ाइन दे रही हूँ। देखिए इस टाइप से डिज़ाइन दे रही हूँ मैं, और इसको भी मैं इसी शेप में कट कर लूँगी, और इसी के नाप का मैं एक राउंड सर्किल पेपर काट रही हूँ ये इससे शादी के कार्ड से। देखिए मैंने कट कर लिया है, और उस कटे हुए शादी के कार्ड के पेपर में मैंने इसको चिपका दिया है। अब मैं इसके बीच से ये जो मैंने स्वास्तिक का काटा था उसको भी मैं चिपका दे रही हूँ। ये देखिए मेरी दूसरी राखी रेडी हो गई है। अब जैसे इसमें फ्लावर बनाते हैं, बच्चों को फ्लावर बनाना सिखाते हैं, मैंने पेन का यूज़ कर दिया है, आप पेंसिल का यूज़ करिएगा ताकि इरेज कर सकें इसको। इस तरह से एक सर्कल बनाते हुए फ्लावर कट कर लेंगे, और उसमें मैं ये कलश जो है इसको चिपका दूंगी। आप चाहें तो स्टोन्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा बच्चा छोटा है इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब इसको मैं इस तरह से कट करती जाऊंगी, और पूरा का पूरा मैं इसको कट कर दूंगी। अब इसी शेप में मैं अपना बराबर इक्वल शेप का मैं एक और फ्लावर काटूंगी, और उसको भी मैं इसी तरह से कट करते हुए एक फ्लावर बना लूंगी। अब इन दोनों को आपस में मैं अटैच कर दूंगी। ये देखिए मैंने अटैच कर दिया है, और इसमें मैंने अपने कलावे की डोरी बना दी है। मेरी राखी रेडी हो चुकी है। अब मेरे पास अब एक मैं डोरी बना के भी बता रही हूँ जिसमें मैंने बटन का यूज़ किया है, और बटन के ऊपर जो बच्चों के स्टिकर्स आते हैं क्राफ्टिंग वगैरह के लिए वो स्टिकर मैंने रेड कलर का लगा दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें नॉट बांधना भूल गई थी, आप नॉट बांध लीजिएगा। और ये रिस्ट बैंड्स वगैरह में जो आपके मोती आते हैं और इस टाइप की चीज़ें आती हैं वो सब का मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। इस तरह से मैं इसमें नॉट बांधना भूल गई थी, तो आप पहले ही बांध लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे मोती वगैरह डाल करके इस तरह से मैं इसको नॉट बांध दूंगी, और मेरी राखी रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैं राखी में नॉट बांध रही हूँ। ये देखिए पूरी राखी रेडी हो चुकी है। बस अब मैं इसके थ्रेड को जो अनइवन हो गया है इसको मैं कट करके इवनली कर लूँगी, और इस तरह से आप घर के वेस्टेज सामान से राखी बना सकते हैं बच्चों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इस तरह से मैं देखिए एक एक करके आपको सारी राखियाँ दिखा रही हूँ जो कि मैंने बना ली हैं। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।